महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोकथाम लगाने एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने जाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला द्विवेदी बुधवार को गोरखपुर के दौरे पर पहुंची, लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में सुनवाई की। अध्यक्षता करते हुए राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो, प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों को पूरी गंभीरता से संज्ञान में लिया जाए और उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए उसके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की छवि बनाने एवं जनता का विश्वास जीतने में पुलिस का बड़ा महत्व होता है तथा पीड़ित महिला की बातों को पूरा ध्यान से सुना जाए। उन्होंने घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों पर निगरानी रखी जाए और विवेचना न्यायपूर्ण हो। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला द्विवेदी जन सुनवाई में आए लगभग 17 मामलों के प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर SP क्राइम जिला प्रोबेशन अधिकारी सरबजीत सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, महिला थानाध्यक्ष अर्चना सिंह एवं आशा ज्योति केंद्र की प्रभारी पूजा पांडे सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा माँ के पास बच्चे तो जब तक छोटे रहते हैं माँ के पास रहते हैं। प्रार्थना पत्र है आज की डेट डालिए और लिखिए सेवा में महिला शादी की फोटो हो उसके या कार्ड देंगे जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग वहाँ पे जाके देखें कि हाँ दोनों साथ में रह रहे हैं। ये आपको फोटो तो बता सकता है ना, दूसरी चीजें
सिर्फ दो छोटे भाई हैं, दो की शादी नहीं हुई। सबसे छोटे वाले भाई की सर शादी, उन्होंने कोर्ट मैरिज निकाल दिया। कोर्ट मैरिज के पहले मैं थाने पे गई थी भाई सर, अगल बगल कोई तो बोलेगा, कोई नहीं होना चाहिए बिना कोर्ट के, कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं गिरफ्तार कर सकते। जिसे विदाई थी उसने कहा, और पता है शादी के कार्ड में भी उसने क्या बोला, अपना नाम रवि के नाम से शादी की है और मेरे साथ पंकज के नाम से शादी की। अगर वो अगर वो इस तरह से कर रहा है तो ऐसे नहीं, आप कुछ मत करो, आप प्रधान पे दबाव बनाओ, तीनों पे दबाव बनाओ, अब मत जाना पूरा करने का, उसको गर्व हो। कुछ घरेलू मामले आए, कुछ जो कोर्ट में, मतलब हमारे यहाँ महिला आयोग के कोर्ट में जो मामले जैसे चलते हैं वैसे ही आए हैं, और हम कुछ इन्हें महिला आयोग में भी काउंसलिंग करेंगे, बुलाएंगे ताकि परिवार ना टूटे, और आपस में समझा बुझा के काउंसलिंग करके इन लोगों को ठीक तरह से रहने के लिए बताया जाए कि आप ऐसा ना करो, ठीक से रहो। पुलिस विभाग को तो हम यही कहेंगे कि जहाँ से भी आ रही है बातें, वो यही आ रही हैं कि बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, ये बड़ी गलत बात है। इन्हें ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके जनता के रक्षक हैं ये लोग, और हम सबके रक्षक हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा भी टाइट हो जाएंगे और सबकी सुनने लगेंगे तो बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। तो सभी नहीं होते हैं, एक आध जगह से शिकायत आई है कि वहाँ जाने पर सुनवाई नहीं हुई है, तो हमारे SP क्राइम बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है, निर्देश दिया है, और हमने भी कहा है कि कहीं से कोई बहन वापस नहीं जानी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, और जितना हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको न्याय दिलवाने की कोशिश करें। हम सभी न्याय दिलवाने की कोशिश में हैं कि जनता संतुष्ट रहे, सुखी रहे, और इन्हें पूरा न्याय मिले, बहनों को जो हमारे पास आती हैं आयोग में।